गाइस गुड मॉर्निंग। अभी व्लॉग काफी लेट आया है, कम से कम शायद एक वीक के बाद में व्लॉग आ रहा है। उसका रीजन ये था कि बीच में तबीयत खराब हो गई थी, और दूसरी बात ये थी कि दिवाली का टाइम था तो बिजनेस में वैसे भी थोड़ा सा रश रहता है, तो इस कारण व्लॉग नहीं बना पाया था। लेकिन अभी वापस से आ गए हैं और ट्राई ये करेंगे कि कंटिन्यूसली व्लॉग बनते रहे। बाकी कल एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं अपनी सोसाइटी के अंदर नाइट में अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास एंटर कर रहा था, तो मैं सोसाइटी के गेट के अंदर से एंटर होने के बाद में मुझे राइटर लेना पड़ता है जहाँ पे मेरे फ्लैट बना हुआ है। तो अभी हमारे सोसाइटी में क्या छोटे छोटे से डॉग्स काफ़ी अभी हुए हैं, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। तो जैसे ही मैंने टर्न लिया तो एक छोटा सा पपी पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी के नीचे आया, मुझे पता भी नहीं चला बिल्कुल भी वो कहाँ से दौड़ता हुआ आया, किधर से आया, कुछ भी आइडिया नहीं लगा उसको। तो फिर हुआ ये कि उसकी आवाज़ आई एकदम से, और लोगों ने बताया कि गाड़ी के नीचे पपी आ गया है। तो फिर रुका, उसको देखा, तो मतलब ऐसा उसको कोई डैमेज नहीं हुआ था, मतलब लगी तो थी उसको, लेकिन हाँ व्हील वगैरह के नीचे नहीं आया था वो, तो मतलब बच गया था, नहीं तो 40 दिन का छोटा सा पपी था वो। अब उस कंडीशन में हुआ ये कि पूरी सोसाइटी हाइपर हो गई मेरे ऊपर कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसा वगैरह, कुत्ते को मार दिया तुमने, ये कर दिया। मज़ा नहीं आ रहा किसी को भी, मैं कोई कार लेके और घूम तो नहीं रहा था कि कहाँ डॉग देखेगा, कहाँ मैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगा। ये सब हो गया एकदम से, कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मैं उसको प्लान किया, फिर मैंने प्लान किया कि उसको डॉग होम फाउंडेशन लेके जाता हूँ जो हमारे घर से थोड़ा सा आगे है। अब मैटर ये था कि जब डॉग को लगी तो हाइपर होने वाले लोग काफ़ी थे, लेकिन जब डॉग को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा हूँ तब साथ में चलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम में फिर मैं अकेला ही उसको लेके गया रात को, वहाँ पे मैंने उसको एडमिट कराया, उसका चेकअप हुआ, एक ट्रिप लगी उसको, और ट्रिप लगने के बाद में फिर डॉक्टर्स जो है वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका कल मॉर्निंग मैक्स से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पैर वगैरह सब कुछ ओके है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल कुछ दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए हम एक बार इसको मॉर्निंग में एक्सरे करेंगे। तो फिर मैंने वहाँ पर उसका ट्रिप वगैरह लगवा के उसको वहीं एडमिट करवा दिया था। तो मतलब एक शेल्टर बना हुआ है उधर, फैसिलिटी मिलती है सारी आपको डॉग के लिए, कुछ भी आवारा डॉग हो या कोई भी हो आप करा सकते हैं, तो वहाँ कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लगते किसी तरीके के। तो वहाँ पर एडमिट करा के उसको, और फिर एक घंटा करीबन लगा होगा, एक घंटे बाद में तो वापस घर पर आ गया। और आज भी अर्ली मॉर्निंग मैंने कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि डॉग एकदम ओके है, उसके कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज नहीं है इंटरनल, बस ये था कि वो गाड़ी से टकराया था उस टाइम में, व्हील के नीचे नहीं आया, बस वो डर गया था जिस कारण वो बहुत ज़्यादा घबराया था। तो अभी ये है कि प्लान कि उसको लेने के लिए जाएंगे, उसको ला के वापस सोसाइटी में ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उसकी पूरी जो फैमिली है वो यहीं रहती है, तो वो भी कभी कल रात से उसकी जो माँ है वो भी भौंक रही है बार बार। तो अभी उस चाहेंगे उसको लेके आएंगे, लाके वापस यहीं पे ड्रॉप करेंगे, और थोड़ा केयरफुल रहेंगे इन चीज़ों के मामले में। तो जो होना था वो हो गया, देखो जान करके कोई करना नहीं चाहता, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। बाकी आज धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल, और बाकी क्या क्या तैयारी चल रही है वो भी आपको बताते हैं आज के व्लॉग में। चले मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। कल क्या है ना, रोज की तरह इसी गेट से मैं अंदर आया था, अंदर आके और ये जो टर्न दिख रहा है आपको यहाँ से जो राइट जा रहा है ये इस कार के पास में, यहाँ से टर्न किया, अभी आप ये समझ लो कि इस कार के आसपास में इधर ही कहीं वो डॉग छुपा हुआ बैठा था, जैसे ही मैंने टर्न किया और एकदम से वो सामने आ गया डॉग होम फाउंडेशन। डॉग होम फाउंडेशन ये बनी हुई है गौशाला, इधर है डॉग शेल्टर। क्या नाम भैया इसका है, बेला? ये देख तैयार एकदम, अरे वो नीचे घुस गया, मेरे को देख के डर गया था। अच्छा ये पालतू डॉग है यार, कोई छोड़ के चला गया। चलो है कम से कम यहाँ केयर में तो है। चुटकू तैयार हो गया है और गाड़ी में आके बैठ गया है, अब इसको गाड़ी से लग रहा है डर, इसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए यहाँ बैठा है। चले घर, हाँ चले गो।
इंजेक्शन लगाया, ये तो ऐसे डर गया था, कुछ हुआ ही नहीं इसको। अभी जाएगा इसके मम्मी के पास जाएगा ये। इसके जैसे जैसे छोटे छोटे और है, तुमने देखे नहीं सोसाइटी में? नहीं। अभी दिखाता हूँ इसको, छोड़ेंगे ना अपन तब दिखाता हूँ। पहुंच गए हम सोसाइटी, अभी देखते हैं इसकी माँ का क्या रिएक्शन रहता है। रिएक्शन वगैरह सब ठीक है, बस खा नहीं जाए मुझे, खा गई तो बैठ बच जाएगी।